एक क्वेश्चन जो मैंने कहा रिलेटेड नहीं है अभी से, हमने सीखा, हमने यही सीखा है कि सेवा के माध्यम से हमारा प्योरिफिकेशन होगा, बट एट द सेम टाइम साधना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? साधना में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके सेवा हो रही है या सेवा को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप साधना कर रहे हैं, तो हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस दैट इज? तो ये हम सबको फेस करना पड़ेगा, हाउ टू बैलेंस सेवा एंड साधना. और दोनों का आपस में बहुत गुड रिलेशनशिप है, क्योंकि साधना हम किस लिए करते हैं? सेवा पाने के लिए. और जब हम सेवा करते हैं अच्छे से, तो हमारी साधना इंप्रूव होनी चाहिए. दैट इज द आइडियल कंडीशन. अब होता क्या हमारे साथ, बिकॉज ऑफ आर इमेच्योरिटी हम दोनों को मिक्स करते हैं. सेवा के टाइम पे साधना करते हैं, साधना के टाइम पे सेवा करते हैं. मान लीजिए लेक्चर सुन रहे हैं हम, तो लेक्चर सुनते सुनते कुछ लोग जब कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि पहले नहीं किया, सुबह नहीं किया, तो अभी उनको लग रहा है कि हाँ दोनों काम हो जाएंगे, कि लेक्चर भी कम कर रहे हैं साथ साथ अपनी साधना भी कर रहे हैं. और जब उनको बोलें कि प्रभु जी थोड़ा आइए, थोड़ा आवश्यकता है आपकी, थोड़ा सेवा करिए, नहीं प्रभु जी पूरी माला करनी हमें, तो सेवा के टाइम पे साधना, साधना के टाइम पे सेवा. तो जो गंभीर भक्त हैं वो जानते हैं कि अगर मेरी साधना नहीं होगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरी साधना अच्छी नहीं होगी तो मैं अच्छी सेवा नहीं कर पाऊंगा. साधना इज माई बैकबोन. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा था किसी ने, बोले कि आपके गुरुजी वो तो प्रचार नहीं करते थे ना, वो तो भजनानंदी वैष्णव थे, आपको इतना प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है आपकी इंस्ट्रक्शन में और आपके गुरु की इंस्ट्रक्शन में, आपके भाव में, आपके गुरु के भाव में. तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि देखिए, जब एक नाव चलती है ना, तो नाव के अंदर एक मोटर होती है, वो मोटर उस नाव को लेके जाती है, तो मोटर इज द ड्राइविंग फोर्स. ऐसी मेरे गुरु मेरी प्रचार के ड्राइविंग फोर्स हैं, अगर वो मेरे जीवन में ना हो तो मैं प्रचार ही नहीं कर पाऊंगा. तो ऐसे ही हमारी भक्ति, हमारी सेवा की ड्राइविंग फोर्स है हमारी साधना. अगर वो मोटर फूक गई तो फिर वो भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो फिर आप मूवमेंट में नहीं रहेंगे, आप स्टैग्नेंट मूवमेंट में रहेंगे, एक जगह रुक जाएंगे. तो जब नदी एक जगह रुक जाती है तो क्या हो जाती है, सड़ने लग जाती है. तो ऐसे हमारे अंदर भी वो बदबू आने लग जाएगी, सड़न की बदबू आने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि साधना अच्छी नहीं है. तो वी हैव टू पुट बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स इन साधना. जितनी साधना अच्छी होगी उतनी सेवा अच्छी होगी नेचुरली. क्यों? क्योंकि साधना इज लाइक अ हॉटलाइन. सुबह सुबह 16 माला करके आपने भगवान के साथ एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश कर दी, तो भगवान के वहां पिंग पहुंच गया, आपके पास व्हाट्सएप आप पहुंच गया कि इसने 16 माला कंप्लीट कर ली. Now Krishna will open all doors to you to make your whole day auspicious and to remove all struggles in your seva. और अगर आपकी साधना अच्छी नहीं है तो आप करके देखिए, सेवा में हजार बाधाएं आएंगी. जिसको आप बताना चाह रहे हैं ना, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा, है ना. आप बोलना कुछ चाहेंगे, वो कर कुछ और देगा, फिर उसका इल्जाम आपके ऊपर लग जाएगा, फिर ब्लेम गेम होगा, फिर उसको आप करते रहिए, झेलते रहिए, तो इसमें पूरा जीवन निकल जाएगा. लोगों को मनाने में, लोगों को रिझाने में, अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में, इसमें पूरा दिन निकल जाएगा अगर साधना अच्छी नहीं है. और उसके बिना, साधना के बिना आपने सेवा कर ली तो. और अगर आपने साधना बहुत अच्छे से करी तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, गुरु बहुत प्रसन्न होंगे. अब आपके हृदय में ही परमात्मा बैठे हैं और सामने वाले के हृदय में परमात्मा बैठे हैं. अगर मान लीजिए आप कोई मैनेजमेंट पोजिशन में हैं, आप सेवा कराना चाहते हैं, तो आपने माला अच्छे से करी तो परमात्मा के पास रिंग पहुंच गई, और उसके हृदय में परमात्मा ही परमात्मा बैठे हैं, तो उन्होंने उसको बोल दिया बेटा 16 माला कर ली, इसकी बात मान ले, है ना, करके आया 16 माला. तो फिर आपकी सेवा बड़ी आसान होगी, आपकी डेलीगेशन बहुत आसान होगी, है ना, आपकी मैनेजमेंट बहुत आसान होगी, बिकॉज कृष्णा इज द गाइडिंग फोर्स. सो आउट ऑफ सेवा एंड साधना, वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? साधना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शनल केसेस. कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं जहां पे आपको अपनी साधना छोड़ के सेवा को देखना पड़ता है. मान लीजिए आप सुबह सुबह जब कर रहे हैं ना, उसी समय मैसेज आता है कि कोई गुरु महाराज आ रहे हैं, उनको आपको रिसीव करने जाना है या उनके लिए प्रसाद बनाना है. सो दैट इज वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी विच यू आर गेटिंग. उसमें बोले नहीं नहीं 16 माला कंप्लीट होगी तब गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाएंगे, तब तो फिर हो लिया. तो एक्सेप्शनल केसेस में हमें कई बार सेवा को ज़्यादा महत्व देना पड़ता है, बट उसके लिए फिर वापस अपनी साधना को आप दोबारा से रीइंस्टीट्यूट करेंगे. अगर उस समय आप मान लीजिए सुबह माला नहीं हो पाई, तो फिर दिन भर में आपको मेकअप करना है. सो दीज आर ऑल ओनली एक्सेप्शनल केस टू केस सिचुएशंस वी हैव टू टेक केयर ऑफ, बट इन अ रेगुलर रूटीन में
We have to always give more and more stress to our sadhana. उसके बिना हमारा कोई भक्ति जीवन है नहीं, साधना के बिना बहुत खाली खाली लगेगा. ऐसा हम सबको लगता है ना कि जब हम सुबह अच्छे से माला नहीं करते तो पूरा दिन भर ऐसे लगता है कि कुछ खाली खाली है ना, कुछ मजा नहीं आ रहा ना. कई बार बड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, वो आना अच्छा भी है ना, क्यों, क्योंकि आपने अभी खुराक नहीं ली है. खाना नहीं खाएंगे तो कैसे लगेगा, चिड़चिड़ापन लगे ना, सिर में दर्द होने लगेगा यार, लोगों अच्छे नहीं लगेंगे, बात करने का मन नहीं करेगा. तो ऐसे ही अगर आपने भक्ति की खुराक नहीं ली सुबह और आपको अच्छा नहीं लग रहा, दैट मीन्स कि हाँ आप एक सही प्रोसेस पे हैं. दैट मीन्स कि मुझे अपनी साधना को और स्ट्रॉन्ग करना है और गंभीरता से उसको लेना है, और उस समय मुझे कोई और व्यवधान नहीं लाने हैं. अब मान लीजिए कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो कई बार साधना को डिस्टर्ब करती हैं, तो उसको हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ताकि वो उसे व्यवधान ना आए हमारी साधना में. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.